गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत खुश और बहुत हैप्पी हूँ। और यहाँ पे हो चुकी है गुड मॉर्निंग, और मैंने लगा कि सुबह सुबह रेडी होकर आप लोगों से क्यों नहीं बात की जाए। बहुत टाइम हो जाता है, आप लोग बात ही नहीं कर पाते होंगे। तो मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी, और मैंने बच्चों का नाश्ता करके, बच्चे लोग स्कूल जा चुके होंगे, और मेरी माफिया को मुझे खाना देना है का। तो बस मेरे माफिया और मैं मिठू बच्चे को खाना देना है, और मैं नहाने चली गई थी इसके कारण से उनको खाना नहीं दे पाई। बस अब उनको खाना देती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में, और मैं अपना खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात करते करते ही अपना खाना तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए बेंजो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक कच्चा पक्का अंडा, बहुत ही टेस्टी लगता है, यम्मी यम्मी। ये हो गया मेरा नाश्ता रेडी, और यहाँ पे मैं अपना बेंजो बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो बेंजो बनाते बनाते बात करते हैं। यहाँ मैंने चटनी बना ली हैगी, और यहाँ मैंने बच्चों के लिए मैगी बना दी हैगी, और मैं मैगी है ना अब बनाऊँगी रिद्धेश के लिए, क्योंकि उस टाइम रिद्धेश सो रहे थे, तो अब मैं रिद्धेश के लिए बनाऊँगी। छोटे वाले बच्चों को बना के खिला चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई है ग्रीन वाली चटनी, ये मूंगफली और है ना हरी मिर्च और लहसुन और हरी धनिया डाल के बनाई है मैंने, और नमक डाल के और जीरा। इतनी टेस्टी और यम्मी लगती है इसको, बस थोड़ा सा तेल लगा के, मतलब तेल डालते हैं और तेल डाल के फिर खाते हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कपड़े खड़ी करके रख दिए होंगे सारे, कपड़े इन्हें जमाना है। फ्रेंड्स, आपको पता है मेरी माफिया को क्या क्या पसंद है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी माफिया को टमाटर बहुत ही पसंद है, और मेरी माफिया को है ना क्या नाम है सेव फल, अनार और है ना अंगूर, केला सबसे ज़्यादा पसंद है, और पपीता, ये सब चीज़ मेरी माफिया बहुत अच्छे से खाती है। माफिया रितेश, माफिया को और रितेश, पता है अभी सारा कचरा फैला दिया था मैंने, साफ करा उसको, बांधा मैंने एक टमाटर देके। हाँ ना माफिया, ओए ले, यहाँ पे देखो हमारी माफिया को देंगे, मैं माफिया को देखो। वो अच्छे से करवा देता है ना उसको, तो माफिया को हमने दे दिया है का। अभी दो टमाटर दिया, अभी इसने क्या किया था, जैसे बाहर छुट्टी ना तो कचरा है ना पूरा फैला दिया था, तो मैंने इसको टमाटर देने के बहाने से अंदर बुलाया और इसको बांधा, और है ना पूरा कचरा है ना मैंने भरा, और तो कितने से खा रही टमाटर, तो यहाँ पे खा रही मेरी माफिया टमाटर। तो मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे, और रितेश यहाँ पे अभी बैठा हुआ था, तो रितेश गया उठ के, तो मैं कम्बल रख दूँ। क्या होता है ना कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो ना, तो ओढ़ के लेटने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस ना मैं इसको ना यहीं पे रख दूँगी, कि अगर बच्चों को लेटना होगा ना तो वापस से ही यहीं पर लेट दूँगी। और आप लोगों को मेरे ये ड्रेस कैसा लगा, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे ड्रेस कैसे लगते होंगे। तो रिद्धेश को पीनी है चाय, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय 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 चाय। तो भाई माफिया को भी चाय पीनी है क्या? तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा ली है कि रिद्धेश की और मेरी, और रिद्धेश को ना अदरक लौंग और इलायची तीनों चीज़ मिक्स करके ना बहुत अच्छी लगती है चाय। और आप लोगों को मैं वेस्टर्न ड्रेस में कैसी लगती हूँ प्लीज़ यार कमेंट में बताना प्लीज़। तो अगर आप लोगों को मैं अच्छी लगूँ तो बता दीजिए, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी मैं बहुत अच्छी लगती हूँ वेस्टर्न ड्रेस में, और मेरी बहन को भी, और मतलब मेरे हस्बैंड को भी। तो आप लोगों को कैसी लगती है तो आप लोग भी मुझे बता दीजिए। मेरे को यहाँ पर शक्कर भरनी थी डब्बे में, तो मैंने
में जो कनस्तर रखे हैं ना उनमें ये बाकी का है ना, ये 5 किलो शक्कर आई थी तो उसमें से मैंने यहाँ पे 2 बार निकाल ली है। अब ये शायद 1.5 किलो होगी शक्कर। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि शक्कर है ना वो हम लोग है ना ये ना कनस्तर में ही है ना मैं एक साथ रख देती हूँ, जब भी चाहिए होता है तो जितना चाहिए उतना निकाल देती हूँ। पे मैं एक इलायची को खोल के ऐसे डालूंगी छिलका और उसके साथ ही। और एक लौंग ले लूंगी मैं, उसको है ना मैं कूट के डालूंगी। बेलन से अदरक लिया, अदरक नहीं भाई मैं आपको बेलन नहीं खा रही हूँ। तो मैं अदरक में यहाँ डाल दिए है मैंने, इतनी टेस्टी और यम्मी चाय बनती है ना। बट है ना इनको मेरे हस्बैंड को ना लौंग की चाय नहीं पसंद है, उनको अदरक और इलायची की पसंद है, और मेरे बेटू को लौंग भी अभी ठंड है ना तो उसके कारण से ही खाली लौंग अच्छी लगती है। और जितना आप अच्छे से कूटेंगे ना उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, फ्लेवर और स्वाद सबसे ज़्यादा मायने रखता है स्वाद। तो यहाँ पे चाय मेरी बन रही है। और दूध बॉईल हो गया है। हाँ नहीं अभी इतना सारा कचरा फैला दिया था, मेरे को साफ करना पड़ा। वंशुस आई है नहीं ना, और आप तो करोगे नहीं है ना, बोलो बोलो। बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। चाय चाय रेडी, जिनको भी पीना है गरम गरम चाय तो आइए पीजिए हमारे साथ। और यहाँ पे मेरी माफिया बच्ची क्या कर रही है, मेरा बाबू बच्चे क्या कर रहा है, मेरा बाबू देखिए आज हमारे से मिलने कौन आया हैगा। तो यहाँ पे माफिया की न्यू फ्रेंड है, मतलब वो लड़का हैगा। और देखो मैं मिलने आई होंगी, मैं बाहर कैसे हूँ देखो, दोनों जने काफ़ी अच्छी वाली दोस्ती कर रहे हैंगे दोनों। देखिए ये देखिए
माफिया है ना, इसलिए वो चिल्ला रही है कि मम्मी कहीं उससे प्यार ना करे, इसके कारण से माफिया ना हो, दोनों झगड़ा करते हैं। अरे माफिया तो तेरी नहीं है, रहने दे, वो बच्ची है, डर जाएगा, बच्चा बच्चा है वो छोटा। हाँ देखो 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 हमारी माफिया का क्या हाल हो रहा है। ओ कितनी प्यारी है, अः भैया कितनी प्यारी है, क्या प्यारा है, क्या नाम है इसका? जानवेस। जानवेस, ओ इधर देखो हमारे बच्चे की कैसी जान सूखी जा रही है कि मम्मी उससे कहीं प्यार ना कर ले। कौवा कौवा।